ये देखिए क्या हाल हो गया चंबल में आके इनका। फिर भाई तबीयत ठीक हो गई? पहुंच गए दोस्तों फाइनली हम लोग चंबल के किनारे, खेतों मंदिरों से होते हुए। ये देखिए रोड, देखिए रोड। पर अभी हम लोग अब दूसरी जगह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मेहता भाई? हम ट्राई करेंगे कि चंबल तक पहुंचे। हाँ। चंबल के साथ साथ अटेर फोर्ट को भी देख लें, जो कि बड़ी बड़ी मूवी शूट हुई है। और फूलन देवी, पान सिंह तोमर, ये पूरा एरिया इनका ही है। तो हम ट्राई करेंगे, अटेर फोर्ट जाए, थोड़ा दूर है यहाँ से, 40 किलोमीटर तो होगा, लेकिन पूरा ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अभी हम लोग उधर के लिए बढ़ते हैं, क्योंकि इतनी और यहाँ तक आए हैं तो सब कुछ कवर करके लौटें घर के लिए और आप लोगों के लिए। ककन मठ के बाद निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए चंबल एरिया। देख रहे हैं जैसा कि आप, पूरा मट्टी के टीले ही टीले हैं यहाँ पे, एकदम सूखा सूखा एरिया है पूरा। यहाँ पे एक नदी देखने को मिली है जस्ट हमें, और ये रोड हमें लेके जाती है फोरसा के लिए। इस नदी का नाम क्या है ये तो पता नहीं है, जिस किसी भाई को पता हो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये है पूरा चंबल, ये चंबल संभाग एरिया है पूरा, और ये रोड हमें आगे लेके जाएगी फोरसा के लिए। और फोरसा से फिर हम लोग जाएंगे आगे अटेर के लिए। अटेर का आपको फोर्ट दिखाएंगे, तो पहले यहाँ की ये नदी में दिखाता हूँ। हाल ही में बारिश हुई थी और जो बाढ़ से यहाँ तक भर गई थी, जैसे कि गीला गीला दिख रहा है। अभी पानी काफी हद तक उतर गया है, लगभग सूखने जैसी कगार पर है। तो ये है दोस्तों फोरसा गांव। अभी हम लोगों ने फोरसा में प्रवेश किया है और फिर इसके बाद हम लोग निकलेंगे अटेर। यहाँ से लगभग और आधा घंटा समथिंग बचा है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और फोरसा गांव के आप दर्शन कर सकते हैं। चलते चलते हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि ये बोर्ड लगा है, यहाँ पे लिखा है मैं गांव अटेर भिंड जाने के लिए, तो अटेर भिंड वाले ही मार्ग से आगे जाना होता है। तो ज़्यादा दूर नहीं है फिलहाल, लगभग पहुँच ही गए हैं हम लोग। काफ़ी भीड़ है भाई साहब, काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे फोरसा गाँव में। फोरसा वाले भाई लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो बताइए मार्केट का नाम क्या है कमेंट करके जरूर। ये फोरसा में काफ़ी खूबसूरत चौराहा देखने को मिला है हमें, और यहाँ से हम लोग लेफ्ट मुंडी के मुड़े हैं और ये रास्ता हमको लेके जाती है अटेर के लिए। तो दोस्तों फोरसा से निकलने के बाद हम लोग लगभग 25 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ से मात्र रह गया 16 किलोमीटर अटेर जाने के लिए। तो यहाँ पे वो गया अमित की गाड़ी में थोड़ा सा फ्यूल कम, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम पड़ गया। तो मेहता भाई अपनी ये थंडर से बुलेट से निकाल के इसमें थोड़ा फ्यूल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक इस रोड में कहीं भी हमें पेट्रोल पम्प देखने को नहीं मिला। अभी आगे है कि नहीं है पता नहीं, ये 25 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी इस रोड पे पेट्रोल पम्प नहीं है। तो ये सब बातें थी जो रास्ते की आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इस रोड से आते हैं तो टैंक फुल करा के आएँ, क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर तक के दायरे में पेट्रोल पम्प है ही नहीं है। तो बस इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेहता भाई यहाँ कर रहे हैं दान पेट्रोल का, जो आज की डेट में सबसे बड़ा दान है, पेट्रोल दान अमित भाई को पहले ही भरा के रख लेता भाई, तो रास्ते में रुकना नहीं पड़ता ना अपने को। ये रोड में कुछ हमें दो ऊंट देखने को मिले हैं, और यहाँ से बचा है मात्र 10 किलोमीटर और अटेर। हमें तो यहाँ पे फुटेज ले रहे हैं और मेहता भाई हमारे वो आ रहे हैं। अभी हम लोग एकदम चंबल के अंदर हैं, चंबल के जंगलों के अंदर हैं, वहाँ से अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं। ये चारों तरफ जैसा आप देख रहे हैं मिट्टी मिट्टी, ऐसे पहाड़, छोटे छोटे टीले, ये पूरे चंबल क्षेत्र है हमारा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब निकलते हैं और बढ़ते हैं आगे के लिए। बाय बाय ऊंट, ऊंट लगे हैं खाना खाने में, मस्त हरियाली का फायदा उठा रहे हैं ऊंट। और ये है चंबल की घाटियाँ, ये मस्त चंबल के पहाड़ मट्टी वाले, और ये सुंदर सा मोड़। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं सीधा अटेर पे, जो कि बचा है यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर।
तो इस तरह की रोड है, हिचकोले खाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और रोड से ही आपको सामने दिख जाएगा किला। थोड़ा ऊपर करो अमित भाई, जैसे कि गाड़ी के सामने एक आपको दिख रहा है किला, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए क्या हाल हो गया चंबल में आके इनका, नहीं रहता है गाड़ी बच गई, कुछ नहीं रहता है, कुछ गाड़ी बच गई कैसे रहता है, और उठा ले भाई पेट्रोल निकल जाएगा उसका, फिर हो जाएगा कुछ नहीं हुआ गाड़ी को, गाड़ी को कुछ नहीं होगा चंबल में क्योंकि रहता है, लेकिन तो इंसानों को सकता था। डेढ़ भाई तबीयत ठीक हो गई? चंबल में आके भौंका बजना शुरू हो चुका एकदम से। तो यहाँ पहुंच चुके हम लोग किले के पास, जो कि किला है मेरे लेफ्ट साइड, झाड़ से दिख नहीं रहा है पर लगभग पहुंच ही गए हम लोग। और ये कुछ इस तरह का गंदा सा रास्ता है, पतला सा एकदम, ये है रास्ता। आओ तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहुंच गए फाइनली किले पे हम लोग दोस्तों, और हमारा स्वागत हुआ है यहाँ भैंस माता से। इशारे मेहताब भाई, और ये है वाटेर का किला। चलिए उतरते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अटेर के किला पहुंच गए हैं। यहाँ पहुंचने में हमें काफ़ी समय लगा और काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ा। तो ये है हमारे पीछे किला जैसा कि आप देख रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं आपको करीब से। तो जैसा कि ये लोग जा रहे हैं, ये किले की देख रेख करने वाले लोग हैं और इन्होंने हमें बताया कि ये किला बंद हो चुका है 5 बजे ही। तो हम लोग लेट हो गए हैं और सामने एक बड़ा सा प्रवेश द्वार है, बाहर से ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा ये, क्योंकि काफ़ी दूर तक आए हैं हम लोग और मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसे कैमरा बंद करके वापस लौट जाएं। तो ये है यहाँ के आसपास का नज़ारा, काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ये खंडित हो चुका है किला, तोड़ फोड़ दिया इसको, और इसको बनाने में मिट्टी का उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। ये यहाँ का विशाल दरवाज़ा जो कि अभी ताला लगा दिया है, जो भैया लोग अभी जा रहे थे, और जिस तरह की यहाँ की दीवारें हैं, दीवार के अंदर इसको जुड़ाई करने में चूना पत्थर का, चूना और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, और ये काफ़ी विशाल है, ये देख सकते हैं आप इस तरह का है। और वो लोग हम लोगों को बोल रहे हैं कि निकलो यहाँ से, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और साइड से और कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये है अटेर का किला दोस्तों, इसको राजा बदन सिंह जी ने बनाया था काफ़ी वर्ष पूर्व पहले। काफ़ी सुंदर और विशाल किला है दोस्तों, जैसा कि देखने को मिल रहा है यहाँ से, काफ़ी लंबे एरिया में फैला है ये। और गलती हम लोगों से ये हो गई कि हम लोग लेट हो गए हैं, क्योंकि एक ही दिन में हमने सोचा था दोनों चीज़ें कवर कर लें, पर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि हर एक चीज़ की एक सीमा और एक समय होता है, उस समय के हिसाब से हम नहीं चल पाए। तो ये आज का किला आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे, जो भी कुछ है बाहर से ही दिखाया है, और अभी तक वीडियो में आप रुके हैं बने हैं तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको, लाइक करके जरूर जाए वीडियो को। ओके फिर कभी आएंगे और अच्छे से इस किले के लिए आपके लिए मस्त किले का वीडियो अच्छे से आपके लिए बनाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए और कोशिश करूँगा आगे से कुछ देखने को मिलता है तो वो भी मैं वीडियो बनाऊँगा। पहुँच गए दोस्तों फाइनली हम लोग चंबल के किनारे, ये तो मंदिरों से होते हुए, ये देखिए रोड, देखिए रोड किस तरह हम लोग गाड़ी चला के लेके आए, और ये है चंबल का घाट। फाइनली दोस्तों ये है चंबल, देख सकते हैं आप, और अभी जो बाढ़ आई थी ऊपर तक पानी गया था, ये पूरा देख रहे हैं आप, जैसे कि मिट्टी अभी तक गीली है, और यहाँ पे लगा दिए मेहताब भाई और अमित भाई ने गाड़ी। तो चलिए चंबल को करीब से दिखाते हैं, देखिए ये रेत देख के ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी अभी यहाँ से पानी होकर निकला है, साफ एकदम घड़ियाल और मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, दूरी बना के रखनी पड़ेगी, किनारे पे नहीं जाना ज़्यादा। और क्या सुंदर सा सनसेट हो रहा है यहाँ पे, और एक बढ़िया सी वहाँ खड़ी है नाव, बहुत ही अद्भुत और शानदार और सुंदर नज़ारा है, काफ़ी अच्छा लगा। तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है किसी नदी के किनारे, ऐसा लग रहा है किसी बीच किनारे हम लोग, है ना, मस्त लग रहा है एकदम, रेती का कलर देखो एकदम बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया सच्ची, ऐसा लग रहा है कि मैं समुद्र के किनारे आ गया हूँ, बिल्कुल मजा आ गया।
बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके दोस्तों। और जो अभी का जो सूरज का कलर है ना वो बहुत ही शानदार है। खैर बादलों के पीछे थोड़ा छुपा हुआ है पर रोशनी बहुत प्यारी सी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से बहती हुई आ रही है नदी वो सामने से उधर और इधर से काफी बड़ा रूप लेके निकल जा रही है। यही वो नदी है जो यमुना में जाके मिल जाती है, चंबल नदी। काफी बढ़िया लग रहा है इधर आके। और बस कुछ थोड़ी समय में यहाँ पे रात हो जाएगी और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं जो मच्छी पकड़ रहे हैं, फिशिंग का आनंद ले रहे हैं। और इनसे पूछा तो ये बता रहे हैं लगभग शाम 4 बजे से बैठे हैं और अभी तक एक भी मच्छी नहीं पकड़ी इनने। तो मतलब काफ़ी समय लगता है मच्छी पकड़ने में, इतनी आसानी से नहीं आती है। और जो हमारे मेहता भाई को देखिए, बढ़िया फोटोग्राफी कर रहे हैं, यहाँ के पूरे माहौल को अपने कैमरे में कैद करके ले जा रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है दूर दूर तक दोस्तों देखने में, अच्छा लग रहा है। मेहता भाई कुछ कहना चाहते हैं? जितना अच्छा लग रहा है इतना अच्छा लगेगा अभी वापस भेजा था, क्योंकि हम चंबल के एरिया में रात को घूम रहे हैं। समझ रहे हो? समझ जाओ। तो इनका कहने का मतलब ये है कि फट भी रही है और वीडियो भी बन रही है। वही है, क्योंकि ये थोड़ा भीड़ एरिया है और डकैतों का क्षेत्र है। तो अभी हमें जंगल से होके वापस निकलना है, तो अंधेरा होने से पहले हम यहाँ से निकलेंगे। तो बस जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था एक टाइम लैप्स, तो वो शूट हो रहा है यहाँ पे। इधर पे एक गोप्रो लगा रखा है हमारे मेहता भैया ने, वो हो जाए फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों।